बीआर चोपड़ा की महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का रोल निभाने वाले नीतीश भारद्वाज अपने दूसरे तलाक से पूरी तरह टूट गए हैं। जी हाँ, नीतीश भारद्वाज जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के रूप में महाभारत में अनेकों बार देखा गया है और कई लोगों के वो रोल मॉडल हैं, उनका दूसरी बार तलाक हो गया है। उन्होंने इस तलाक की अर्जी 2019 में दायर की थी और आखिरकार उन्हें तलाक मिल गया है। दिसंबर 2019 में उन्होंने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी और इस मामले में अब कोर्ट का फैसला आया है और उनका तलाक हो गया है। वहीं तलाक के फैसले पर उन्होंने एक मीडिया चैनल को यह बताया है कि कभी कभी तलाक मौत से भी ज़्यादा दर्दनाक हो सकता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है जैसे कोई अंग काट दिया गया। नीतीश की पत्नी स्मिता गाते IAS ऑफिसर हैं, दोनों की जुड़वा बेटियाँ हैं और ये उनकी दूसरी शादी थी जो कि 12 साल चली। पहली शादी से उन्हें एक बेटा है और पहली शादी उनकी 2005 में टूट गई थी और तलाक हो गया था। वहीं दूसरी शादी जो है वो अब टूट गई है। नीतीश भारद्वाज की दूसरी शादी से 2 जुड़वा बेटियां हैं और अपनी इस शादी में तलाक होने के बाद वो पूरी तरह से टूटते हुए नजर आए। नीतीश भारद्वाज ने यह तक कह दिया कि तलाक कई बार मौत से भी ज़्यादा बुरा होता है। वहीं आपको बता दें, टेलीविजन जगत में इस खबर के बाद रोष व्यक्त हो रहा है। नीतीश भारद्वाज जिसे भगवान श्री कृष्ण के रोल में देखा गया है, काफ़ी भावुक होते हुए नजर आए और अपनी तलाक पर उन्होंने ये बात तक कह दी जो उनके दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा भावुक कर रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।